हेलो दोस्तों, मैं हूं दानिश आफरीदी और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने मूड के हिसाब से कार्टून बना सकते हैं, यानी जैसा आपका मूड है उस हिसाब से आप कार्टून बना सकते हैं, अपनी पसंद के आप कार्टून बना सकते हैं, जिफ बना सकते हैं और उन्हें आप भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, अपने सारे फ्रेंड्स को व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं, फेसबुक पर अपलोड कर सकते हैं। यानी कि आप अब खुद कार्टून और जिफ बनाएंगे, उसको अपने मूड के हिसाब से बनाएंगे, अपनी पसंद के हिसाब से बनाएंगे और जहां आप चाहेंगे वहां पर आप उसको सेंड कर देंगे, चाहे वो फेसबुक हो या व्हाट्सएप। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं नई नई अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ और अपलोड कर सकूँ। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमारा प्ले स्टोर ओपन करेंगे और उस पर टाइप करेंगे एक्सप्रेसो, XPRESSO एक्सप्रेसो ऐप। जैसे आप इसको टाइप करेंगे यहाँ पर ये पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसमें ऊपर ही ऊपर आपको एक ऐप नज़र आ रहा है, इसके आइकॉन को आप अच्छे से देख लीजिए। इसमें तीन कार्टून बने हुए दोस्तों दोस्तों नीचे एक्सप्रेसो लिखा हुआ है। 100,000 लोगों ने इसे डाउनलोड कर रखा है और 4.6 की इसकी रेटिंग है ये ऐप। इस तरह से टाइप करने से आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा और अगर नहीं मिलता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दूंगा, वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं इसे यहीं से ओपन करता हूं और आपको बताता हूं इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसको ओपन कीजिए। जैसे आप अपने ऐप को ओपन करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये लोडिंग होगा। लोड होने के बाद यहाँ पर इस तरह से ये आपको नज़र आएगा। यहाँ ट्रेंडिंग में कुछ यहाँ पर जिफ्स हैं, यहाँ पर ये देखिए इतने सारे जिफ्स हैं। इसमें ये आपके मूड के हिसाब से बताए गए हैं कि आपको किस मूड का जिफ चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ देखिए, यहाँ है फ्लर्ट है, लव है, हग्स एंड किसेस है और यहाँ पे क्विक रिप्लाई है, हाय बाय, हैप्पी, एलओएल। तो यहाँ बहुत बहुत सारे हैं, यू रॉक, ये देखिए यहाँ पर क्राई, एंग्री, यहाँ पर काफ़ी सारे हैं। अगर आपको कोई एक चाहिए, चलिए इनमें से मैं कोई एक बता देता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ लव वाला है, तो लव वाले पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ है लव, फ्लर्ट और किसेस। यहाँ तीन तरह के हैं, नीचे आपको लिखा हुआ है लव, फ्लर्ट और किसेस। तो दोस्तों यहाँ पर लव वाले अगर आपको चाहिए तो ये देखिए यहाँ पर ये काफ़ी सारे जिफ हैं जो आप यहाँ से सीधे ही सेंड कर सकते हैं जहाँ आप चाहें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या जहाँ आप चाहें। ये फ्लर्ट वाले हैं दोस्तों, इन पे भी सब लिखा हुआ है और ये जिफ भी आप देख रहे हैं, किसेस वाले जिफ हैं। यहाँ पे अगर आपको सर्च करना है तो आप यहाँ राइट ए मैसेज लिखिए, सर्च कीजिए, उस मैसेज के हिसाब से आपको यहाँ पर जिफ मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर बैक करता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से ये जो कार्टून इसमें जो आपको नज़र आ रहा है ट्रेंडिंग में जो जिफ है वो आपको यहाँ ऊपर नज़र आ रहे हैं वो किस तरह से बनता है। तो यहाँ ऊपर ही ऊपर यहाँ पर क्रिएट लिखा हुआ है दोस्तों, इस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ये इस तरह से ओपन होगा, आप नीचे स्टार्ट लिखा हुआ है इस पर आकर क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ ये पूछेगा आपसे आप गर्ल हैं या बॉय हैं, यानी कि आपको लड़की के लिए बनाना है या लड़के के लिए बनाना है। तो मैं यहाँ बॉय पे सेलेक्ट करूँगा, बॉय पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये एक कार्टून यहाँ पर आ जाएगा जो इस तरह से आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले आप अपना यहाँ पर चेहरा सेलेक्ट कर लीजिए, इनमें से कोई सा भी, आप इसे ब्लैंक मानिए, ये बिल्कुल ब्लैंक है। इसके बाद आप आगे जो आपको इसमें जो ये हेयर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने हैं, यानी कि अब आपको यहाँ से बाल इसके चेंज करने हैं। देखिए ऊपर मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा ऊपर ये बाल चेंज होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। आप चाहें जो से बाल यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं अपने चेहरे के हिसाब से, जो भी आपको पसंद आए वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पर ये पसंद आ रहे हैं या ये पसंद आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर ये इस तरह से इनको रख लूँगा। इसके बाद दोस्तों आप नेक्स्ट आइकॉन पर क्लिक कीजिए जिस पे मूछें बनी हुई हैं, तो आप यहाँ से इनमें से ये सेलेक्ट कर सकते हैं और जो चाहे वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं इस तरह से, जो भी चेहरे को सूट करे उस तरह से आप यहाँ पर लगा दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर मुझे ये पसंद आ रही है या ये पसंद आ रही है, तो इस हिसाब से लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बियर्ड है दोस्तों, आप यहां से बियर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं और यहां पर लगा सकते हैं इस तरह से, चाहे जैसे आप इसको लगा सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये पसंद आ रहा है तो मैं यहां लगा रहा हूं। दोस्तों मैं जल्दबाजी में कर रहा हूं इसलिए मैं अच्छे से नहीं बना पाऊंगा, आप लोग इसको सुकून के साथ बनाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। इसमें आप ये कलर भी चेंज कर सकते हैं, बाल वगैरह हर चीज़ का। जैसे अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप वापस हेयर पर जाइए, हेयर पर जाने के बाद जब आप हेयर सेलेक्ट करते हैं तो ऊपर जो है आपको ये कलर नज़र आ रहे हैं, यहाँ से आप हेयर्स का कलर, बालों का कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जो कलर आप चाहें पसंद करें वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्लैक रहने देता हूँ या फिर चेंज कर लेता हूँ इसको, कोई और सा कलर आप चाहें जो कलर इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर ब्लैक ही रहने देता हूँ,
इसके बाद हम आईब्रोज पे थे दोस्तों, तो आईब्रोज पे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं आईब्रो, और उनका कलर भी यहाँ पर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं या जो आईब्रो चाहें आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे ये पसंद आ रही है तो मैं रख लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों आईज़ है, आईज़ पे आप चाहिए और यहाँ से आईज़ सेलेक्ट कर लीजिए, जो आपको पसंद आए वो आईज़ आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ लिप्स है, आप लिप्स यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और रख सकते हैं जैसे आप चाहें वैसे। तो मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ। कलर भी आप यहाँ चाहें तो लिप्स के यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, या देखिए काफ़ी सारे कलर्स हैं, आप जो चाहें कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ यही रहने देता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये चश्मे हैं, तो आप इसमें से कोई एक यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं जो आप चाहें, यही रहने देता हूँ मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके। इसके बाद यहाँ ड्रेसेस हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप ड्रेसेस सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए काफ़ी सारी हैं, स्क्रॉल करके मैं आपको बता देता हूँ। इसी तरह यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ये मैं कुर्ता पजामा और जैकेट इस चेहरे के हिसाब से यहाँ सूट करता है, इसलिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो ये हमने हमारा खुद का एक कार्टून बना लिया है दोस्तों। इसको आप यहाँ पर ऐसे करके और राइट के निशान पे यहाँ पर क्रिएट इनवाइट पे जाकर क्रिएट कर दीजिए। तो दोस्तों जब आपको लगे कि आपका कार्टून अब अच्छे से तैयार है, इसमें सारी चीज़ें हमने यहाँ पर सेट कर लिए, तो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है यस आई एम रेडी, आप इस राइट के निशान पे क्लिक कीजिए ऊपर। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो आपने कार्टून यहाँ पर बनाया है वही कार्टून आपके सारे जिप्स में आ जाएगा, और आप यहाँ से उस कार्टून को सीधे आप भेज सकते हैं जहाँ आप चाहें वहाँ उस कॉन्टैक्ट पर। तो जैसे मान लीजिए मैंने क्राई वाला यहाँ पर अभी जिफ लिया है, तो किराए में है, फेडअप है और स्कैड है यहाँ पर, तो ये फेडअप वाला है। आप इसमें से कोई भी एक कार्टून यहाँ से आप सीधे ले सकते हैं। ये इस तरह से आप उस पर सेलेक्ट कीजिए, उस जिफ पे आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से सीधे आप शेयर कर सकते हैं जहाँ आप चाहें। फेसबुक, व्हाट्सअप, जितने भी आपके मोबाइल के अंदर ऑप्शन है वो सब यहाँ पर आके खुल जाएंगे सेंड करने के लिए। तो यहाँ से आप सीधे उन्हें शेयर कर सकते हैं जहाँ आप चाहें वहाँ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर आपको लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में आपको एक बेल का आइकॉन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप बेल के आइकॉन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो अपलोड होते ही। दोस्तों आप मुझे फेसबुक पर भी ऐड कर सकते हैं, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना फेसबुक का लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर जाइए उस पर क्लिक कीजिए और मुझे फेसबुक पर ऐड कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अच्छी अच्छी नई नई वीडियो बना सकूँ और अपलोड कर सकूँ और आपको सिखा सकूँ। चलिए दोस्तों अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, अब हमारी मुलाकात होगी मेरे अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।